दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बढ़ रही और तो चलिए मैं आपको पूरा लाइव बता देता हूँ दोस्तों। चलिए मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, चलते हैं हम डायरेक्ट। मैं आया था सब्ज़ी लेने दोस्तों बड़ी मंडी में। यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी ओस चल रहा है दोस्तों ठंड के कारण। देखिए आप अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप आनंद ले सकते हो। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। सामने से आ रही है मारुति कार, आप देख सकते हो वाइट कलर की निकल चुकी है दोस्तों। और हमारे सामने जा रहा है एक वाहन, चलिए हम इससे थोड़ा सा आगे निकल के आगे का वीडियो देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये मंडी कौन सी है तो आप, ये बोट आ रहा है सामने दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। इधर धान मंडी भी है और सब्जी मंडी, दोनों एक तरफ हो गई दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत दूर है मंडी, 8 से 10 किलोमीटर दूर है दोस्तों। इतनी दूर हमको आना पड़ता है दोस्तों सब्ज़ी लेने यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। डेली 4 बजे उठ के आना पड़ता है दोस्तों। अभी बज चुकी है घड़ी में 7:30 बजने आ गई दोस्तों, ठीक है। और बहुत आप देख ही सकते हो कितना खतरनाक चल रहा है दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे का सीन बता दे दोस्तों आपको। अभी तो मैंने सब्ज़ी ले ली है, अब रिटर्न जा रहा हूँ। लहसुन का ट्रक जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी ओस कम है। पीछे जो खुला हुआ था उस कारण मुझे लगता है ओस ज़्यादा था, इधर बहुत ओस बहुत कम है। हमें इससे आगे तो नहीं निकाल सकते क्योंकि कीचड़ है दोस्तों, और ज़रा सा अगर गिरा तो आप देख ही सकते हो क्या हो सकता है, ठीक है। इसलिए आराम से चलने देते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलाएंगे। क्योंकि बारिश के कारण कीचड़ बहुत हो रहा है यहाँ पर, 2 दिन से मंदसौर में बारिश गिर रही है लगातार, है ना। कोशिश भी नहीं करूँगा इससे आगे जाने का, तो जान का खतरा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं धीरे धीरे अगर निकल जाए तो मौका दिख रहा है निकालने का, निकाल लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमने ट्रक से आगे गाड़ी निकाल ली है, पेट्रोल पंप भी आ चुका है, यहाँ पर पेट्रोल भी भरा सकते हो, ठीक है। इंडियन ऑयल पेट्रोल, ठीक है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इस मोबाइल को जेब के अंदर रख रखा है दोस्तों, और मैं चला रहा हूँ गाड़ी। चलिए दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं इसी तरह के आपको वीडियो बना बना के बताता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो मैंने सोचा चलिए यहीं का बना के बता देते हैं, ठीक है। मंदसौर मंडी कितनी दूर है आप अंदाज लगा सकते हो, मैंने जहाँ से वीडियो चालू करा है और अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत दूर है, ठीक है। महाराणा प्रताप तक जाता हूँ दोस्तों मैं, लेकिन आज मैं वहाँ नहीं, घर से ही थैला भर लूँगा, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा और वीडियो लंबा कर दूँ, आप देखते रहो दोस्तों। तो चलिए हम अभी आ चुके हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है दोस्तों, गाड़ी हमारा आगे निकल चुकी है। पीछे से वही ट्रक आ रहा है जिसमें हमने देखा था लहसुन भरे हुए थे लहसुन, ठीक है। और कल और मंडी चलेगी, परसों रविवार है, रविवार को मंडी बंद रहती है दोस्तों, हर रविवार को मंडी बंद रहती है, बड़ी मंडी और सब्ज़ी मंडी, ठीक है। अनाज की भी बंद रहती है और सब्ज़ी मंडी बंद रहती है, ठीक है दोस्तों। आपको बता देता हूँ कभी आप आओ सब्ज़ी लेने तो यहाँ पर मंदसौर में हर रविवार को मंडी बंद रहती है दोस्तों, ये खास करके ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। पहले पूनम अमावस को रहती थी, लेकिन जब से ये लॉकडाउन मतलब कोरोना वायरस आया, जब से सरकार ने घोषित किया है कि भाई रविवार को हर चीज़ बंद रहे तब अच्छा रहे, ठीक है। और 2 गज दूरी बनाए रखे दोस्तों, और मास्क जरूर पहने, मैंने भी पहन रखा है, ठीक है। और मास्क पहनने का फ़ायदा यह भी है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई देख रहा नहीं, नहीं तो अगर मैं ऐसे बोलता तो मुझे पागल समझते लोग, ठीक है दोस्तों।
चलिए मैं और आगे लेके बताता हूँ आपको। देखिए हमारे सामने टेम्पो भी जा रहा है जो तो सब्जी से भरा हुआ है, भाई ने सब्जी ले ली है तो जाने की तैयारी में। हो सकता कोई ग्राहक आ गया तो रुक गया हो, या तो कोई माल गिर गया होगा पीछे तो उसने उठा के वापस रखा है। तो दोस्तों तो चलिए अब हम आ चुके हैं कालेज की तरफ। कालेज थोड़ी सी दूरी है दोस्तों, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब हम उधर मोल लेंगे, ठीक है। चलो मैं इंडिकेटर दे देता हूँ। इंडिकेटर कभी भी दोस्तों गाड़ी से 5 कदम 10 कदम दूर रहे तभी दे, उससे ये होता है कि कंट्रोल में हो जाती पीछे वाले की गाड़ी। अगर हम अचानक देते हैं ना तो उससे ये होता है दोस्तों कि पीछे की गाड़ी भी कंट्रोल नहीं होती। इसलिए मैं चाहूँगा कभी भी आप गाड़ी चलाओ दोस्तों तो पहले से इंडिकेटर दे देना। देखो आप लोगों को वहाँ जाना है तो मैं अभी से इंडिकेटर दे देता हूँ, जिससे क्या पीछे वाले को पता चल जाता है, ठीक है दोस्तों। वो कंट्रोल कर ले गाड़ी तो इससे हादसा कम होता है दोस्तों, ठीक है। कभी भी गाड़ी चला तो ये ध्यान रखना। तो चलिए मैं मोड़ लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतनी ही है। अगर इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर अच्छे खासे लाइक आने चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।